हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हारमोनियम गुरु में। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा रियाज बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी एक्सरसाइज, एक ऐसी टेक्निक बताऊँगा जिसे अगर आप 3 से 4 या 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी हारमोनियम पर उंगलियाँ बहुत तेज़ हो जाएंगी। इतनी तेज़ हो जाएंगी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सा स्वर कब दबाना है, आपका हाथ ऑटोमेटिकली मक्खन की तरह चलेगा। दूसरी चीज़, इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं पहले बताऊँगा, आप उन चीज़ों को फोकस करिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। हम लोग अक्सर यही गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा हाथ हारमोनियम पर रुकता है, हमारे हाथों में स्पीड नहीं आती। सबसे पहली चीज़ है कि हम अलंकारों का रियाज करते हैं। अलंकारों का रियाज बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी हारमोनियम पर स्पीड बनी रहे, और दूसरा कि हमें स्वरों का पता चले। सबसे पहली चीज़ है कि हारमोनियम पर कुछ लोग जो ना, ये चीज़ आप नोटिस करना, आप भी नोटिस करना, मैं भी नोटिस करता हूँ कि कुछ लोग हारमोनियम पर हाथ चिपका के चलाते हैं, जैसे ये देखिए, ऐसे नहीं चलाना हाथ, ये सबसे गलत तरीका है, इससे आपके हाथ में स्पीड कभी नहीं आएगी। आप चाहे 50 साल बजाते रहिए, आपका 50 साल के बाद भी हाथ ऐसे ही रहेगा, स्पीड नहीं आएगी। एक हद तक आप स्पीड ला सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि पूरी रनिंग नहीं आएगी इस तरीके से। आपको क्या करना है, तरीका चेंज करना है। तरीका चेंज ये करना है कि स्वर को दबाइए। कुछ लोग हैं, एक और गलती बताता हूँ, कुछ लोग स्वरों को यहाँ पे ऐसे बजाते हैं, यानी कि पूरा स्वर दबाएंगे, जैसे पूरी उंगली स्वर पर होगी, जैसे ये तरीका भी गलत है, इससे भी स्पीड नहीं आएगी। सही तरीका मैं आपको बताऊं कि आपका जो हाथ की जो ये जो है ना, इतना सा पार्ट, यही आपकी लास्ट टच होना चाहिए स्वर पर। जैसे कि देखिए, हाथ को उठाकर चलाना, यानी कि सा दबाया, देन रे गा मा पा धा नी सा। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप कितनी मर्जी स्पीड ला सकते हैं आप अपने हाथों में, सिर्फ यही एक तरीका है, हाथ को उठाकर चलाना और किनारे पर हाथ लगाना, सिर्फ हल्का सा टच करना है। देखिए, कितना मर्जी तेज कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज़ मैं और आपको आपके उदाहरण के लिए बताता हूँ। एक चीज़ है कि आप एक स्केल पर रियाज कर रहे हैं, यानी कि पहली काली से रियाज कर रहे हैं 5 सालों से, पिछले 5 सालों से, और आपने दूसरी काली से रियाज नहीं किया, तीसरी काली से रियाज नहीं किया, चौथी काली से रियाज नहीं किया, पाँचवीं से नहीं किया, और आपका हाथ सिर्फ एक ही दायरे पर चल रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज़ की नॉलेज, यहाँ से नॉलेज है। और कोशिश करिए कि अपने आप को एक्सप्लोर करें, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नोट्स पर बजाए, यानी कि जो चीज़ आप पहली काली से रियाज करें उसको दूसरी काली से भी करिए। जैसे मान के चलिए, जो स्पीड आपकी यहाँ पे, मान के चलिए मेरी यहाँ पे ये स्पीड आ रही है, यहाँ पे पहले अलंकार की, देखिए आप चेक करिए कि आपकी वही स्पीड दूसरे दूसरी काली से वो चीज़ आ रही है। अगर मैं जो चीज़ यहाँ पे बजा रहा, क्या मेरे से वही चीज़ दूसरी काली से बज रही है? अगर नहीं बज रही तो वहीं पे आपकी कमी है। अगर वही चीज़ मैं अगर बोलूँ कि तीसरी काली से मेरे को बजा के दिखाओ वही स्पीड में, तो आप बजा पा रहे हैं क्या? देन आप में ये भी कमी है। तो आप क्या करिए, उसको अलग अलग स्केलों में बजाइए, तभी आपका हाथ खुलेगा, तभी आपका हाथ, मतलब कि उसमें जान आएगी उंगलियों में, कि आप कहीं से भी, मतलब कि आपको अपने दिमाग को नहीं चलाना है, आपकी उंगलियों को चलाना है। जब इंसान दिमाग चलाता है तो वो सोचता है कि सा के बाद अभी मैं यहाँ से निकालूँ तो मेरा रे कहाँ है, रे के बाद गा कहाँ है, गा के बाद माँ कहाँ है, वो सोच रहा है, तो उसमें उसका जो स्पीड कम हो रही है ऑटोमेटिकली। सोचना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, और ऑटोमेटिकली आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। जब अगर प्रैक्टिस ही नहीं तो ऑटोमेटिकली आपको सोचना पड़ेगा। ये चीज भी करिए। देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट चीज ये है कि आप कोई भी अलंकार, चाहे वो एक अलंकार है या दूसरा या तीसरा, उसको पूरे हारमोनी पर बजाइए, पूरे हारमोनी पर। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ से शुरू करें पहली काली से, तो पूरे हारमोनियम पर चलाइए, ताकि ऐसा कोई स्वर ना बजे जिस पर आपने हाथ ना चलाया हो, जिस पर आपका हाथ ना लगा हो।
इसी तरह दूसरी काली से पकड़ रहे तो दूसरी काली से शुरू करें तो दूसरी काली से पूरे हारमोनियम पर हाथ चलना, तीसरी काली से शुरू करें तो तीसरी काली से पूरा हाथ चलना चाहिए, चौथी पकड़ा तो चौथी से चलना चाहिए। इस तरीके से रियाज करेंगे ना तो गारंटेड आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि सा कहाँ पे रे कहाँ पे, आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलेगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये रियाज है। देन अभी उसके बाद मैं आपको आखिर में एक ज़बरदस्त रियाज बताने जा रहा हूँ, अगर आप ये रियाज भी करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, उंगलियों में बहुत सारी स्पीड आएगी, तो वो भी जानते हैं। ये रियाज ये है कि आप यहाँ पे एक मेट्रोनोम सुन सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक मेट्रोनोम चला रखा है 218 की स्पीड पर। देखिए कोशिश करिए कि जब भी आप हारमोनियम बजाएं, कोई अलंकार बजाते हैं तो उसको मेट्रोनोम के साथ बजाएं। मेट्रोनोम के साथ बजाने का फायदा ये होता है कि उसमें आपकी टाइमिंग नहीं बिगड़ती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी स्वर पर ज़्यादा ठहर जाते हैं, किसी पर कम ठहरते, तो वो चीज़ भी आपकी स्पीड में रुकावट लाती है। अगर मेट्रोनोम के साथ करेंगे तो पूरा बैलेंस में एक मतलब कि प्रॉपर चलेगा हाथ। देखिए मैं आपको एक बार बजा के दिखाता हूँ। इस तरीके से आपकी ये भी तैयारी हो कि सडनली आपको चेंज करना पड़ जाए तो आपको सोचना ना पड़े, फट से आपने वही स्पीड में अलंकार को चेंज कर दिया दूसरे स्केल से, फिर वही स्पीड में तीसरे स्केल से, तो इस तरीके से स्पीड आती है। देन लास्ट में एक और तरीका बताता हूँ, आप सारे अलंकार को एक साथ बजाइए, जैसे आपने पहला बजाया, पहले का दूसरा बजा दिया, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, एक ही सीक्वेंस में बिना रुके बिना सोचे। देखिए मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, पहली काली से शुरू कर रहा हूँ। Then वही चीज दूसरी काली से बिना सोचे। तरीके से हर एक स्केल से आपको सोचना ना पड़े, आपका हाथ ऑटोमेटिकली चले। अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे ना, मेरे हिसाब से आपको कोई जिंदगी में कभी हाथ चलाने में दिक्कत नहीं आएगी और आपका हाथ हारमोनियम पर रुकेगा नहीं। ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रियाज है जो बहुत कम लोग करते हैं। जनरली जो आप देखते हैं ना, जो स्टेज पर कीबोर्ड वाले बजाते, जो कीबोर्ड बजाते, उन लोगों का रियाज कुछ इस तरीके का होता है। वो इस तरीके से रियाज करते हैं, इस तरीके से अपने हाथ को तैयार करते हैं कि उनको कभी सोचना ही नहीं पड़ता कि कौन से स्वर पर हमें जाना, तो ऑटोमेटिकली उनका हाथ चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी रियाज करिए, गारंटेड 101%। आप 4 से 5 दिन इसको करके देखिए, इस रियाज को करके देखिए, आप फिर मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना अगर आपको फ़ायदा ना हो तो। ये रियाज ऐसे रियाज है जो गारंटेड रियाज है, शर्तिया रियाज है, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और करने में आपको थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल काम है, एक स्वर से दूसरे स्केल पर जाना, दूसरे से तीसरे स्केल पर जाना, तीसरे से चौथे स्केल पर जाना, वो भी बिना मतलब कि गलत स्वरों को बजाए। ठीक, अगर थर्ड बिलावल बजा रहे तो थर्ड बिलावल आप पहली काली से बजा रहे तो वही दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, पांचवी, हर एक स्केल से वो अलंकार बजाइए, फिर उस अलंकार को हर एक हार मतलब कि सप्तक में बजाइए, यानी कि पहले सप्तक में शुरू किया तो पूरा हारमोनियम पर हाथ चले, फिर दूसरे से, तीसरे, ऐसे चलता रहे। इस तरीके से रियाज होगा, कभी आपके हारमोनियम पर उंगलियाँ नहीं रुकेंगी। और दूसरी चीज़ लास्ट में आपको यही बताऊँगा, समराइज करूँगा, जब भी कोई अलंकार बजाइए तो मेट्रोनोम या ताल के साथ बजाइए, ताल तीन ताल में बजाइए, या फिर जो आपको ताल अच्छी लगती जाए, कैरवा ताल है उसके साथ बजाइए, अलंकारों को ताल के साथ बजाइए। उसमें क्या होगा कि आपकी जो हाथ वो टाइमिंग में चलेगा, क्योंकि
अगर हाथ टाइमिंग में नहीं चलेगा तब भी आपको दिक्कत है, स्पीड में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे अगर आप इन बातों का ध्यान देते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये बातें शायद कोई बताता है, तो अगर कोई बता रहा है तो उनको फोकस करना आपका फ़र्ज़ है, समझना फ़र्ज़ है, आपको उन बातों को प्रैक्टिस करना फ़र्ज़ है। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, किसी भी तरीके की आपको लग रहा है कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया, नमस्कार।